ਇਹ ਫਿਕਰਤ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਆਖ ਸਕਦਾ ਸਕੂਲ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬਾਰਗਾਹ ਹੀ ਚਬਾਂਦੇ ਤੇ ਬਾਤੀ ਹੁੰਦੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੂੰਹ ਤਲਮ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਬਤਾਵੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜੰਨਤ ਕਿਹਨੇ ਬਸ ਜੰਨਤ ਹੋ ਕੋ ਮਿਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 14 ਦੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਐ ਲਰੀ बस गल इतने ही खत्म क्योंकि टाइम टाइम आलवी साहब का मैं उन्होंने को मिन्नत करके उठी खड़ा अज के दौरे कोई एहसान मने का तो यही कोई ना साड़ी वो फील्ड है जो एक बैग को धिक्का दे के आते हैं महसूस तो नहीं भी किया तवज्जो ये मिंबर अदब सीखेंगे है 72 घंटा सादात को माफी दे सन सादात दिया लाडियां 72 घंटा इंतजार इस खरियानिया दुनिया के कहे मुल्क का कानून नहीं है जैसी पेशी हो गई इंतजार करे पेशी दे इंतजार इस खड़ा रहे बेगुनाह कह दिए जिन्हों का जुर्म कोई नहीं पेशी दी इंतजार इस गुजर गए 72 घंटा और मैं कैनात कुर्बान करा मलका हबश तेरी वफात हर थकी हुई मस्तूर कदम चाया भी है रखा भी है नहीं कदम चाया तो मलका हबश कंड पिछवरी दीदी पुछ है अम्मा तो थकती नहीं अरे मां बड़ी थक वेंदी आ डावी दे धंधे अनुपा 4000 तीरां दा जख्मी जिन्हें बहन को मिल के आंदा पिया मैं खड़ी हम कनात दे नाल केड़ा करीम हा जुर्जना दीवार मोरियस जुर के मेरे चिट्टेवार चुमेहस मैं को अगर जमा में भी है कुछ ना मंगदा फरे जे तक फरे इधर पर्दा बचा मैं जिन्हें थक दिया ना तो इरादा करें दिया कदम चामा ओ सामने दे सांग दे अखी खोल ले दे मेरे देख क्या दे अम्मा मेरी वसीयत भूल गई है इस शाम का नजस माहौल है तेरे कान पे जो बतूल गति है अजरक में अल्लाह ये मच मच काफी हो खुश नसीब हो सन जिन्हें शाम जियारत की थी उसी इतना सफर नहीं तेरे मुझसे जादी हैं वो इन बाजारे हम यूपी है जो गुजरते हैं लग गए 45 घंटा अगर सादा तक माफी दे मैं 45 घंटा उन्हें जो 2 घंटे हो हैं जिन्हें तेरी मुझसे जादी बैठ के मैंने तो सवाल करूं बैठ के कि मैं सफर की दस क्योंकि हीक हीक रस्सी मजदूर बारा एक बच्चे को चावल की तो एक मजदूर बांधी तो बारा बह गया बस इतने पढ़ना हाजरी सादात करे सादात 90,000 सिपाही जिन्हें डिप्टी है मुंडिया तो नेजे इन दौड़ते बनो दौड़ते वापस आओ ये बच्चे खौफ खाक सन रोसन ई मजमे दे विच शाम दी गवस्ती है जेडी हुसैन दे मन्नर वाली औलादे नदी ना कोई नहीं मनता नाल हिक पुत्र दा थिया
ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੋਸਾਇਆ ਇਹ ਅਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਲੇ ਆਈ ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏ ਮੈਂ ਦਿੱਠੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਨੇ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਥਈ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਜੁਰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਖੜੀ ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕੋ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਗਏ ਬੱਚਾ ਠਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਰਹੇ ਤਰਨ ਤਰਨ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਛੋੜ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਿਕਲੇ ਹੁਸੈਨ ਅਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਅੱਖ ਖੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਹਾਰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਕਾਬਲ ਜਾਈ।